हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ये क्वेश्चन। ए फॉर्मो हैज ए फील्ड ऑफ शेप बाउंडेड बाय एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स इज इक्वल टू थ्री। ही वांट्स टू डिवाइड दिस इनटू हिज टू सन्स इक्वली बाय ए स्ट्रेट लाइन एक्स इज इक्वल टू सी। कैन यू फाइंड सी? यानी कि एक उसके पास पैराबोलिक टाइप का एक खेत है जिससे जो कि एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और एक्स इज इक्वल टू थ्री दो लाइन, एक पैराबोला और एक लाइन से घिरा हुआ है। वो इसे अपने दो बच्चों के अंदर एक्स इज इक्वल टू सी तरह की एक लाइन से डिवाइड करना चाहता है, तो हमारे को सी की वैल्यू जो है निकालनी है। तो ये जो है हमारे दोनों एक्सिस हो गए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर जो है वो एक्स के अलोंग जो है एक पैराबोला पॉजिटिव साइड में होगा, और एक्स इज इक्वल टू थ्री जो है वो एक लाइन है जो कि यहाँ पर इसको पैराबोला को जो है क्लोज करती है। यहाँ पर इस तरह से ये खिंची हुई लाइन है जो कि थ्री यूनिट जो है से पास होगी, यानी कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट जो है 3-0 से जो पास होगी और हमेशा वाई एक्सिस से 3 डिस्टेंस पर होगी। तो ये पी क्यू लाइन जो है एक्स इज इक्वल टू 3 को बता रही है, जो एक्स एक्सिस को आर पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब जो है वो चाहता है कि इसे दो इक्वल पार्ट्स में बांट दिया जाए, एक सीधी लाइन खींचकर, और उस लाइन का नाम है एक्स इज इक्वल टू सी। तो ये ए बी जो एक लाइन उसने खींची है जिसका इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू सी है, यानी कि वो ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर सी डिस्टेंस पर है। इसका मतलब ये हुआ कि सी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो सी कॉमा जीरो होंगे, और हमारे को जो है ये दो बराबर भागों में इसको बांटना है। तो यहाँ पर जो है ये शेडेड पार्ट जो है, जैसे वो अपने एक बेटे को दे दे रहा है जिसे हम ए ओ बी सी ए कहें, या दूसरे वाला पार्ट जो है वो दूसरे बेटे को दे रहा है जिसे ए पी आर क्यू बी सी ए कह सकते हैं। तो ये जो है क्रॉस लाइन से बंटा हुआ और ये सीधी लाइन से बटा हुआ, वर्टिकल लाइन से बटा हुआ दो पार्ट हैं, तो ये दोनों का एरिया जो है वो बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए जो है हम इसको जो है इंटीग्रल का यूज़ करते हुए इन दोनों को निकालेंगे। तो हमारे पास जो है हमारे प्रूव करने के लिए जो है ये है कि गिवन है हमारे पास कि दोनों का एरिया जो है वो इक्वल है, दोनों पार्ट का मतलब जो पार्ट आपका ओ ए सी बी ओ है वो एरिया जो है आपका इक्वल है। एरिया जो है वो बाकी वाला दूसरे बेटे को जो उसने दिया ए पी आर क्यू बी सी ए, तो ये वाला एरिया भी पहले वाले एरिया के बराबर है। तो ए पी आर क्यू बी सी ए जो एरिया है वो ओ ए सी बी ओ के इक्वल है। तो यहाँ पर हमारे को इसको निकालना है, फाइंड करना है। तो इसके लिए जो है हमारे को देखना है कि क्योंकि ये पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस के दोनों तरफ सिमेट्री में है, इसीलिए अगर हम एक पार्ट का निकाल के उसको डबल कर दें तो पूरे पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो एरिया जो है ओ ए सी बी ओ का जो होगा वो डबल हो जाएगा, एरिया ओ ए सी ओ का डबल होगा। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये जो एरिया आएगा वो पैराबोला के नीचे का एरिया होगा, और 0-0 से लेके सी जीरो तक का बीच का है, एक्स एक्सिस के बीच में 0 से लेके सी तक है। तो ये 0 to C, और यहाँ पे पैराबोला के है और एक्स एक्सिस के ऊपर हमें इसको निकालना है। तो इसको जो है क्योंकि यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है पैराबोला की इक्वेशन, तो इसीलिए जो वाई है उसका हमारे को वाई का डी एक्स करके इसका इंटीग्रल निकालना है, और दूसरी तरफ जो एरिया है वो भी पैराबोला का ही पार्ट है, और जो है हमारे को ए पी आर सी ए का निकाल के डबल करना है। तो ये भी जो है हमारा बराबर है, तो क्योंकि एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर था तो वाई जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो जाएगा।
एरिया क्योंकि नेगेटिव नहीं होता इसलिए प्लस माइनस के बजाय सिर्फ प्लस ही लेंगे। तो अब देखिए आपका रूट एक्स का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 होगा और अपर और लोअर जो है सी ज़ीरो लग जाएगा। अब 3/2 जो है वो नीचे डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई होंगे तो 2/3 हो जाएंगे और यहाँ पे एक्स की पावर 3/2 हुआ और जो है यहाँ पे सी और ये ज़ीरो आ गया। अब ये बाहर हो गया 2 × 2/3 जो कि 4/3 के इक्वल है और एक बार सी और एक बार ज़ीरो जो है एक्स की जगह रखते हैं तो सी की पावर 3/2 और यहाँ पे ज़ीरो रखने से 0^3/2 जो 0 के इक्वल है तो ये वैल्यू आती है 4/3 सी रेज पावर 3/2। तो ये एरिया जो हो गया हमारे पास वो है ओ ए सी बी ओ का। तो ये फर्स्ट हमने एक इक्वेशन बना ली। अब दूसरे वाला जो एरिया निकालना है वो निकालना है ए पी आर क्यू बी सी ए का। तो क्योंकि यहाँ भी पैराबोला दोनों पार्ट सिमेट्री में है तो हम जो है ए पी आर सी ए वाला एरिया निकाल के उसको डबल कर देंगे। तो ये जो है देख रहे होंगे आप सी से 3 तक के बीच में है तो यहाँ पे सी से 3 जो है इसको लगाएंगे तो यहाँ पे हुआ सी से शुरू हुआ और 3 पे एंड हो रहा है। तो और यहाँ पर भी वाई डी एक्स करना है और y की वैल्यू जैसे पहले ली थी वही आपके पास है रूट एक्स के। तो रूट एक्स होगा यहाँ पे, फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले वाला 0 to c था और ये c to 3 है। तो अब पहले की तरह ही जैसे हमने किया था और रूट एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वही x की पावर 3/2 / 3/2 और जो कि बाद में 2/3 एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये अपर जो है 3 और नीचे c लग गया। अब इसको कर देंगे 2 × 2/3 और x की पावर 3/2 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा और उसके अपर और लोअर जो हैं वो 3 और c लग जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो अब x की जगह 3 रखेंगे और एक बार और एक बार जो है c रखेंगे x की जगह तो ये हो जाएगा 4/3। जब 3 रखेंगे तो 3 की पावर 3/2 हो जाएगा और c रखेंगे तो माइनस लगा के c की पावर 3/2 हो गया। अब ये दोनों एरिया जो हैं क्योंकि बराबर हैं 1 और 2 से तो इनको कंपेयर करते हैं तो हमारे पास जो है ये आएगा कि 4/3 सी रेज पावर 3/2 जो है ये इसको लिखा यहाँ पे कि 1 और 2 से हमारे जो एरिया हैं जो कि 4/3 सी रेज पावर 3/2 वो इक्वल होगा 4/3 ब्रैकेट में 3 की पावर 3/2 माइनस में सी की पावर 3/2। तो यहाँ पर इन दोनों को लिख देंगे। तो इसको लिख देने के बाद आप जो है इनको सिंप्लीफाई करके इजीली इसका जो है आंसर निकाल पाएंगे। तो यहाँ देखेंगे ये दोनों हो गया, अब 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया और तो सी रेज पावर 3/2 जो है वो है इक्वल टू 3 रेज 3/2 माइनस में सी रेज 3/2। अब c को जो है आप एक साइड ले जाइए तो c की पावर 3/2 प्लस में c की पावर 3/2 2 × में c की पावर 3/2 हो गया जो कि इक्वल है 3 की पावर 3/2 के। तो इस तरह से जो है आपके पास आया। अब इसको जो है आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो c की पावर 3/2 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 3/3/2 / 2 के। तो c की पावर 3/2 की हमारे पास इस तरह से वैल्यू आएगी जबकि हमारे को वैल्यू निकालनी है c की। तो उसके लिए जो है अगर हम ऐसे करते हैं तो हम उसके बजाय ये करें कि क्योंकि दोनों साइड में नीचे में अपॉन में 2 है तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने से ये हो जाएगा 4c³ = 3³। तो 3³ का मतलब 27 हो गया। तो ये 4c³ जो है वो हो गया 4c³ हो गया 27 के इक्वल। तो सी क्यूब जो है 27/4 हुआ, 27/4। अब 27 तो 3 का क्यूब है लेकिन 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है तो इसीलिए नीचे 8 बनाने के लिए हम ऊपर नीचे इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जो है पूरा परफेक्ट क्यूब बनाने की कोशिश करेंगे। और जो है क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 27 1 की पावर 1/3 है तो इसको क्यूब
क्यूब रूट से कर्व हटाने के लिए इसको अंदर जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर जो है आपका नीचे 8 हो गया और ऊपर 27 इंटू में 2 हो गया, तो 27 अपॉन में 8 जो है वो 3/2 बन के बाहर आ जाएगा और अंदर जो है सिर्फ 2^1/3 रह जाएगा। तो ये हो गया 3^3 27 और नीचे जो है 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 का क्यूब हो जाएगा और ये 2 जो है हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो वो वाला बच गया। अब 3/2 जो है क्यूब रूट की वजह से 3^3 / 2^3 3/2 बन के बाहर आ गया और हमारे पास बचा इधर 2^3। तो यही इसका इस रिक्वायर्ड वैल्यू है। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल द मैथ्स गुरुदेव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और प्लेलिस्ट में जाके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।